इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़े, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। नहायत अकीदत और सादगी के साथ शहर में की गई विसर्जन की रस्म अदा, खुशगवार माहौल में हुआ गणेश फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। अंजुमन अहले कलम के जिम्मेदारान काबिले मुबारकबाद, उनकी काविशों से जल्द पैदा होंगे सिराज वली और बशर नवाज जैसी सलाहियतों वाले शोरा व उदबा, कहा डॉक्टर मखदूम फारूकी ने। असातिज़ा के इस्तकबाल के बाद मुनक़िद की गई कामयाब शेरी नशिस्त। परभनी के राबता वज़ीर नवाब मलिक ने लिया शदीद बारिश के सबब मुतासरा ताल्लुका पालम के खेतों का जायज़ा, मुतासरा किसानों को दिया दिलासा और अफसरान को दी नुकसानात के पंचनामे करने की हिदायत। और बज़िमन जश्न नूरुल हसनैन वारिसान हर्फ व क़लम नामी तंजीम की जानिब से महफिल तंज़ो मिज़ाह मुनक़िद, शहर के मारूफ मिज़ाह निगारों ने सुनाए मज़ाहिया खाके और किया हाजरीन को कह कह लगाने पर मजबूर। खबरें तफसील से। नहायत अकीदत मगर सादगी के साथ आज शहर में गणेश विसर्जन की रस्म अदा की गई। इस तरह से गणेश फेस्टिवल का आज इख्तिताम अमल में आया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस नामी बीमारी की रोकथाम के पेश नज़र इस साल भी गणेश फेस्टिवल सादगी से मनाने की हिदायत हुकूमत की जानिब से की गई थी, जिसके तहत शहरियान ने नहायत अकीदत व सादगी के साथ ये त्यौहार मनाया। 10 सितंबर को अकीदतमंदों ने अपने घरों में और शहर में मुख्तलिफ चौराहों पर गणेश जी की मूर्ति बिठाई। 10 दिनों तक सुबह व शाम यहां आरती की गई और आज नहायत सादगी के साथ विसर्जन की रस्म अदा की गई। शहरियान की सहूलत के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर 40 मूर्ति कलेक्शन सेंटर्स कायम किए थे, जहां तैनात मुलाजमीन ने नहायत अकीदत के साथ गणेश जी की मूर्तियां जमा की और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद कुओं में उनका विसर्जन किया। कोरोना के वबाई हालात के बावजूद गणेश उत्सव के मौके पर शहरियान ने अपने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की और शहरियान को नेक पैगामात भी देने की कोशिश की। अपने इस त्यौहार और जश्न को भी समाजी बेदारी और नेक पैगाम देने के लिए इस्तेमाल करने की कुछ इसी तरह की कोशिश पृथ्वी नगर की कोमल अग्रवाल ने की। उन्होंने अपने घर में बिठाए गए गणपति के सामने कुछ इम्तियाजी सजावट की। कोरोना दौरानिये में पेश आई ऑक्सीजन की कमी से मुतालिक बेदारी का पैगाम देते हुए हाई प्रोफाइल इलाके की इस तालीम याफ्ता दोशीजा ने गणपति के सामने लगी नुमाइश के जरिए ये बतलाने की कोशिश की कि दरख्तों व पौधों का भी संसार होता है, उनकी भी रिश्तेदारियां होती हैं। ये दरख्त अगर ऑक्सीजन की फराहमी बंद कर दें तो हालात किस कदर संगीन हो सकते हैं, और अगर दरख्तों के झुंड मौजूद हों वाफर मकदार में और साफ़ सुथरी व ताज़ा हवा, किस तरह से हमें खुशगवार माहौल, ऑक्सीजन और सेहतमंद ज़िंदगी फराहम करती है। ये सब इस लड़की ने अपनी इस नुमाइश के ज़रिए दिखाया है, जो कि यकीनन एक काबिल सताइश कदम है। आपण मागच्या वर्षी बघितलं आहे की कोरोनामुळे आपल्याला ऑक्सिजनची कमी पडली आहे, तर मग यावर्षी पण आपण म्हणजे त्या चुका परत परत करू नये, झाडं लावावी, झाडं तोडू नये, त्यामुळे मी अशी थीम बनवली आहे की जेणेकरून आपल्याला झाडेसुद्धा आपल्याला रिक्वेस्ट करतात आहे की आम्हाला वाचवा आणि आमचं जीवन संरक्षण पूर्णपणे तुमच्या हातात आहे, देवाईपेक्षा माणसाच्या हातात आहे आपलं संरक्षण म्हणजे झाडांचं संरक्षण करणे, त्यामुळे झाड आपल्याला रिक्वेस्ट करतात आहे, तशीच मी थीम बनवली आहे। आणि झाडांनासुद्धा परिवार असतो, मुलं बाळ बायको नवरा सगळं जसं आपलं असतं तसंच त्यांचंही असते, त्यामुळे झाडं तुम्हाला रिक्वेस्ट करतात आहे झाडं तोडू नका, झाडांना वाचवा जेणेकरून आपल्यालाही ऑक्सिजन मिळेल आणि परत आपल्याला म्हणजे जसं आपण ज्याप्रमाणे मागच्या वर्षी संकट फेस केलं आहे तसं आपण पुढे करू नये। इसी तरह इस बार के गणपति उत्सव में शहर में कायम विश्वजीत संगीत क्लासेस के डायरेक्टर सचिन किशनराव शिंदे की तजवीज़ पर यहाँ के तलबा ने भक्ति संगीत का एक प्रोग्राम पेश किया
और रिवायती लोक कला का मजाहरा किया और मारूफ लोकगीत गौलन लोकगीत भारूड़ और पोवाड़ा जैसे संगीत पेश किए। इस प्रोग्राम को गजर गणरायाचा उत्सव कला गुणांचा का नाम दिया गया। नए लिखने वालों और शायरी करने वालों के लिए अंजुमन अहले कलम के ज़िम्मेदारान जो स्टेज फराहम कर रहे हैं वो काबिले सताइश है, जिसके मुसबत नतायज जल्द सामने आएंगे और बहुत जल्द सिराज वली और बशर नवाज जैसी सलाहियतों वाले सितारे इस सरजमीन से जगमगा उठेंगे। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर मखदूम फारूकी ने किया, वो बैतुल यतीम में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि कफ़ील एजुकेशन सोसाइटी और अंजुमन अहल कलम के इश्तराक से शाही मस्जिद से मुत्तसिल बैतुल यतीम के कॉन्फ्रेंस हॉल में तालीमी मैदान में गिराकदर खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब और शेरी नशिस्त का एहतमाम किया गया। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी की सदारत में मुनक़िदा इस इस्तकबालिया तकरीब में मुंबई के मरूफ शायर डॉक्टर कासिम इमाम, उर्दू मजमून के बुज़ुर्ग उस्ताद अहमद इकबाल, मारूफ फिक्शन निगार नूरुल हसनैन, डॉक्टर मुस्तजीब खान, इंजीनियर खालिद सैफुद्दीन और साबिक कारपोरेटर इलियास किरमानी मेहमाना ने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर मेहमानों के हाथों डॉक्टर काजी नवीद, डॉक्टर फैयाज़ फारूकी, फिरोज़ पठान, असमा फारूकी, डॉक्टर शाहीन फातिमा, खान महरीन खान, इरफान सौदाकर, मौलाना अब्दुल क़य्यूम खान यासिर, सैयदा मोहसिना, डॉक्टर सैयद अब्दुल वहाब, इंजीनियर रमज़ानी खान, डॉक्टर नीलोफर शाकिर, खाजी सैयदा सुमेरा कौसर, शेख मुमताज़, डॉक्टर रिजवाना खानम, डॉक्टर नसरीन सुल्ताना, ख्वाजा कौसर जबीन, शेख नफीसा बेगम, गुलाम जीलानी, शेख माविया तबसुम, खिरतुल ऐन अब्दुस्समद और ख्वाजा नूरुस्सबा को सर्टिफिकेट्स और गुलदस्ते देकर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए डॉक्टर मखदूम फारूकी ने कहा कि सबसे बड़ी नेकी नई नस्ल के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना है और ये काम अंजुमन अहल कलम की रूह रवा फिरदोस फातिमा अपने शरीक हयात इंजीनियर रमज़ानी खान के ताउन से बहुसन क़ीबी अंजाम दे रही हैं। उनकी ये कोशिश समर आवर साबित होगी और वो दिन दूर नहीं जब सरजमीन औरंगाबाद से दोबारा सिराज वली और बशर नवाज जैसी सलाहियतों वाले सितारे उभर कर सारी दुनिया में नूर की किरणें बिखेरेंगे। फिरदोस फातिमा के शुक्रिया पर इस्तकबालिया तकरीब इख्तिताम पज़ीर हुई। उसके बाद खमर एजाज़ की सदारत में एक अदबी नशिस्त मुनक़िद की गई। इस मौके पर मुकामी शोरा ने और नए फनकारों ने अपना कलाम सुनाकर हाजरीन का दिल जीत लिया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अंजुमन अहल कलम की रूह रवा फिरदोस फातिमा, रमज़ानी खान, साजिद पटेल, अजहर पठान, अशफाक अहमद, शहबाज जर्रीन, राना तबसुम और दीगर ने अहम रोल अदा किया। बहुत उम्मीद देकर रास्ता मोड़ा नहीं करते, बहुत उम्मीद देकर रास्ता मोड़ा नहीं करते, मोहब्बत हो तो फिर काफिर को भी छोड़ा नहीं करते। अब भी मंजिल मेरी नजर में है, इसलिए जुस्तजू सफर में है, और इत्तेफाकन ही छू लिया था उसे, इत्तेफाकन ही छू लिया था उसे, दिल अभी तक उसी असर में है। हर किसी आयत में दुनिया ने मिटाया है मुझे, हर किसी आयत में दुनिया ने मिटाया है मुझे, हर नया दौर नई शक्ल में लाया है मुझे, हर किसी आयत में दुनिया ने मिटाया है मुझे, हर नया दौर नई शक्ल में लाया है मुझे, वही दीवार गिरी छांव थी जिसके नीचे धूप में साए में मरने से बचाया है मुझे, धूप में साए में मरने से बचाया है मुझे, खींच रखी है धुंधलकों ने कोई चिलमन सी, खींच रखी है धुंधलकों ने कोई चिलमन सी, शाम कहती है कि फिर उसने बुलाया है मुझे, शाम कहती है कि फिर उसने बुलाया है मुझे, और मुद्दतों बाद उसी मोड़ पे छोड़े थे जहाँ
इमाम साहब, मुझे तो बात इसी मोड़ पे खड़े थे जहाँ उससे फिर वक्त ने इजाज मिलाया है मुझे, उससे फिर वक्त ने इजाज मिलाया है मुझे। कदम जमी पर और आसमां पर नजर रखते हैं, कदम जमी पर और आसमां पर नजर रखते हैं, ये जो शायर है एक जमाने की खबर रखते हैं। कदम जमी पर और आसमां पर नजर रखते हैं, ये जो शायर है एक जमाने की खबर रखते हैं। गम कोई जो आन पड़े तो अश्क कभी मंजूर नहीं, गम कोई जो आन पड़े तो अश्क कभी मंजूर नहीं, अश्कों को भी गसलों में पिरोने का हुनर रखते हैं। और बहुत खुशी और मसरत हो रही है कि एक इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म औरंगाबाद में हम जैसे नए टीचर्स को यहाँ पर बुलाया गया और हमें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुखातिब किया गया, और बहुत खुशी हो रही है कि नई जनरेशन के जो नए नए छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से शायर जो मंजर आम पर आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही दिल से एक मुबारकबाद मैं देना चाहती हूँ। और आज जो लोग इस शहर में तहजीबी और अदबी सरगर्मियों में पेश है, उसमें अंजुमन अहले कलम बाकी लायक सताइश है। मैं हमेशा कहता हूँ कि काबिल सताइश हैं वो लोग जो ज़बान व अदब की खदमत कर रहे हैं, और काबिल तहसीन हैं वो लोग जो ज़बान व अदब की खदमत करने वालों की खदमत कर रहे हैं। मेरी मुराद अंजुमन अहले कलम और अंजुमन अहले कलम से वारसाने हर्फ व कलम तक एक नई तारीख औरंगाबाद में अदबी लिखी जा रही, और जिसमें नौजवानों का भी साथ है, और जो फिरदौस फातिमा अपने घर वालों के साथ, अपने शौहर के साथ मिलकर, अपने साथियों के साथ मिलकर जो प्लेटफॉर्म, जो अदबी प्लेटफॉर्म हम उर्दू वालों को दे रहे हैं, यकीनन उसका इस्तकबाल होना चाहिए। परभनी ज़िले के राबता वज़ीर नवाब मलिक ने तालुका पालम के किसानों से मुलाकात की और उनके मसाइल जानने के बाद रिवेन्यू महकमे के अफसरान मुलाजमीन को यह हिदायत दी कि वो शदीद बारिश के सबब फसलों को पहुँचे नुकसानात का फौरी पंचनामा करें और अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करें ताकि मुतासिरा किसानों को राहत फराहम करवाई जा सके। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों हुई बरसात ने तालुका पालम में खहर बरपा कर दिया था। तूफानी बरसात के सबब खेतों में लहलाहती फसलें उजड़ गईं, जिसकी वजह से किसानों की परेशानियों में इजाफा हो गया। लिहाजा फसलों को हुए नुकसानात का जायजा लेने जिला परभनी के राबता वज़ीर नवाब मलिक ने तालुका पालम का दौरा किया और मुतासिरा किसानों से मुलाकात करके हालात का जायजा लेने के बाद उन्हें दिलासा दिया। हुकूमत परेशान हाल किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने महसूल डिपार्टमेंट के अफसरान मुलाजमीन को हिदायत दी कि वो फसलों के नुकसानात का फौरी पंचनामा करें और अपनी रिपोर्ट हुकूमत को रवाना करें ताकि इन मुतासिरा किसानों को राहत फराहम करवाई जा सके। इस मौके पर एमएलए रत्नाकर गुट्टे, जिला कलेक्टर आंचल गोयल, जिला परिषद के सीईओ शिवानंद टाकसाले, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर विजय लोखंडे, डिप्टी डिवीजनल ऑफिसर सुधीर पाटिल, आशीष बारकुल, तहसीलदार प्रतिभा गोरे और बीडीओ धाबे भी मौजूद थे। तालुका फुलंबरी के वड़ोद बाजार सर्कल के तहत जलगांव मेटे में सरपंच, ग्राम सेवक और दीगर शोबों के अफसरान मुलाजमीन की एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई। इस जायजाती इजलास में मुख्तलिफ उमूर मसाइल पर गौर खोज किया गया और आइंदा लाहे अमल के लिए मौसर तजावीज़ पेश की गईं। इजलास में पंचायत समिति सभापति सविता फुके, साबिक सभापति सरजे राव मेटे, बीडीओ राठौड़, ग्राम सेवक संगठना के सदर जंगले सरपंच मनीषा मेटे, नायब सरपंच दत्ता मेटे, प्रीति मेटे, मनीषा सोनोने, जीजा साठे, सरपंच गोपाल वाघ, अरुण तुपे, फारूक सेठ, कल्पना कापरे, जानकी काले, रंजन गांव के रामदास जारवाल, कोर्ट के रंजना देवरे, पीर बावड़ा की काले बाई, निधुरा के कोलते ताई, गेवराई की जायसवाल ताई, नीमखेड़ा के खतरे और दीगर की मौजूदगी में ये ग्राम सेवक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। वजीर आला उद्धव ठाकरे की औरंगाबाद आमद पर किसान बड़े पुरुमीद थे कि मौसूफ इस इलाके के आफतजदा किसानों के लिए राहत पहुंचाने की गर्ज से कोई बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने मामूली सी राहत भी नहीं दी और न ही किसानों की तरफ नज़र उठाकर देखा। ये इल्ज़ाम बीजेपी के तर्जुमान राम कुलकर्णी ने लगाया। महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब काल मराठवाडा मुक्ति संग्राम दिनानिमित्त औरंगाबादला आले होते, मराठवाड्यात येऊन गेले। मागच्या 15 दिवसात मराठवाड्यात निसर्गाचं एवढं मोठं संकट आलं, 20 लाखापेक्षा अधिक हेक्टर
शेतकऱ्यांची जमीन उद्ध्वस्त झाली, जनावरे मेली, काही लोकांचे प्राण गेले। काल राज्याचे प्रमुख काही शेतकऱ्यांना मदत करतील, काही घोषणा करतील, मराठवाड्यासाठी विशेष पॅकेज काही देतील अशी अपेक्षा होती, पण राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब मराठवाड्यात येऊन गेले, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कुठलाही चिकार शब्द काढला नाही, मदतीची घोषणा लांबच, शेतकऱ्याकडे साधं डुंकूनही पाहिलं नाही। त्यांचा दौरा म्हणजे मराठवाड्यात अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याच्या जखमीवर मीठ चोळणारा असा दौरा झाला असं मला वाटतं। वारिसान हर्फो कलम नामी तंजीम की जानिब से बजीमन जश्ने नूरुल हसनैन एक तंजो मिजाह की महफिल बैतुल यतीम के मीटिंग हॉल में मुनक़िद की गई, जहां शहर के मारूफ मिजाह निगारों ने मिजाहिया खाके सुनाकर शहरियान को हंसने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि सरजमीन औरंगाबाद उर्दू अदब ज़बान और इल्म फ़न के लिए बहुत ही ज़रख़ेज़ रही है, और हर दौर में इस सरजमीन पर नामवर शोरा अदीब अफसाना निगार मिजाह निगार और नावलिस्ट पैदा हुए, जिन्होंने सात समंदर पार तक अपने फ़न के ज़रिए शहर का नाम रोशन किया। शहर में मौजूद मुख्तलिफ अदबी तंजीमों की जानिब से मारूफ फिक्शन निगार नूरुल हसनैन की खिदमात के एतराफ़ में जश्न नूरुल हसनैन मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज वारिसान हर्फ़ क़लम नामी तंजीम और खादरी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से महफिल तंजो मिजाह बैतुल यतीम के अहाते में मुनक़िद की गई। मारूफ मिजाह निगार मोईज़ हाशमी की सदारत में मुनक़िद इस महफिल में सईद खान जैदी, अबू बकर रहबर, तहसीन अहमद खान ने मजाहिया खाके सुनाए, जिसे हाजरीन ने खूब पसंद किया। इस बज़्म में नूरुल हसनैन, डॉक्टर कासिम इमाम और सुहेल खादरी मेहमानान खसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जबकि के एम चिश्ती, डॉक्टर खाजी नवीद, अजीम राही, डॉक्टर अशफाक अहमद इकबाल, जावीद फना और दीगर मुहिब्बान उर्दू ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर इस महफिल की रौनक बढ़ाई। इस महफिल तंजो मिजाह को कामयाब बनाने में सैयद अतहर अहमद और इंजीनियर खालिद सैफुद्दीन के अलावा वारिसान हर्फ़ क़लम के दीगर अहदेदारान व ज़िम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। तंजो मिजाह से मुतालिक़ नूरुल हसनैन ने अपने तासुरात बयान किए। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल में लायंस क्लब आइकान की जानिब से कोरोना वॉरियर्स का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनमें सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर परचम कुशाई के बाद एक प्रोग्राम लायंस क्लब आइकॉन की जानिब से मुनक़िद किया गया, जिसमें डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी, डॉक्टर संतोष टिंगले, कारगुजार म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर, कारगुजार कल्चरल ऑफिसर संजीव सोनार, असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, स्कूल के हेडमास्टर देवेंद्र साड़ुंके और लायंस आइकॉन के सदर नीलेश देशपांडे, सेक्रेटरी लायंस आतिश पाटिल, लायंस प्रमोद लोनगांवकर, जयदीप घुगे मेहमानाने खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर कोरोना दौरानिये में जिन असातिज़ा ने वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया, उन्हें कोरोना वॉरियर्स के अलकाब से नवाजा गया और उनमें मेहमानों के हाथों सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। युवा कंप्यूटर एकेडमी की जानिब से शिउर तालुका वैजापुर के साकिनान में 2000 पौधे तकसीम किए गए। गणेश फेस्टिवल के मौके पर शिउर तालुका वैजापुर में मौजूद युवा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था के तहत चलाए जाने वाले युवा कंप्यूटर एकेडमी और युवा वोकेशनल आईटीआई ट्रेनिंग सेंटर के इश्तराक से अतराफ के माहौल को आलूदगी से पाक रखने की गर्ज़ से इलाके के साकिनान में 2000 पौधे तकसीम किए गए और एक पौधा लगाओ 10 साल जिंदगी बढ़ाओ ये स्लोगन देते हुए उनमें माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई। अहम बात तो यह है कि पौधे उन अफराद में तकसीम किए गए जिन्होंने कोरोना से बचाव के टीके लगवा लिए हैं। इस मौके पर सरपंच, नायब सरपंच, सोसाइटी के मौजूदा और साबिका अराकीन अहदेदारान और इलाके की दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के ज़िमन में MLA हरिभाऊ बागड़े ने तालुका फुलमरी के लिए दी गई एम्बुलेंस गाड़ी अवाम के नाम मंसूब की। वज़ीर आज़म की सालगिरह के मौके पर साबिक सदर रियासती ऐवान और भाजपाई रहनुमा व रुकन असम्बली हरिभाऊ बागड़े की जानिब से फुलमरी व मजाफात के मरीजों की सहूलत के पेश नज़र एक एम्बुलेंस अतिया की गई। अलावाज़ी मोदी जी के यौम पैदाइश की खुशी के मौके पर
उनकी दराजी उम्र के लिए नए ख्वाहिशात के साथ कई दीगर सरगर्मियां भी अंजाम दी गईं, जिसके तहत फुलमरी के गणपति मंदिर में महाआरती की गई और पार्टी की जानिब से माजूर खवातीन में मलबूसात तकसीम किए गए। इसी तरह मजाफात बाबरा में पंचायत समिति के उपसभापति संजय त्रिभुवन के फंड से यहां के सावता मंदिर इलाके में लगाए गए हाईमास्ट लाइट का भी इफ्तिताह हरिभाऊ बागड़े के हाथों अमल में आया, जबकि रुकन असेंबली के फंड से बाबरा व अलंद के लिए दी गई एम्बुलेंस अवाम के नाम मंसूब की गई। इस मौके पर भाजपा के तालुका सदर व सदर बल्दिया सुहास शीरसाठ, खवातीन व बहबूदियत अतफाल शोबे की सभापति अनुराधा चौहान, पंचायत समिति की सभापति सविता ताई फुके, साबिक सभापति सरजेराव मेटे, इफको के साबिक डायरेक्टर त्रिम्बक राव शीरसाठ, खवातीन आघाड़ी की तालुका सदर ऐश्वर्या गाड़ेकर, ओबीसी मोर्चा के जिला सदर राजेंद्र काले, नायब सदर बल्दिया गजानन नागरे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर धानोरकर व दीगर मौजूद थे। रिवायती व कुदरती खेती के जरिए न सिर्फ किसान खुद कफील हो सकते हैं बल्कि सेहतमंद गजाएँ और अनाज के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में भी मदद मिलती है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ माहिर ज़िरात विश्वास राव उंद्रे ने किया। गुज़िश्ता 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर वाशी ज़िला उस्मानाबाद के करमवीर मामा साहब जगदाड़े कॉलेज में मुजाहिदीन आज़ादी और कुदरती व रिवायती खेती के माहिरीन का इस्तकबाल करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस इस्तकबालिये की सदारत खायम मकाम प्रिंसिपल डॉक्टर रविंद्र कठारे ने की, जबकि मेहमाना ने खसूसी की हैसियत से मुजाहिद आज़ादी लक्ष्मण राव उर्फ भैया साहब देशमुख, रिवायती खेती के माहिर विश्वास राव उंद्रे गणेश देशमुख शरीक इजलास थे। इस मौके पर माहिर ज़िरात उंद्रे ने रहनुमाई करते हुए कुदरती रिवायती और नेचुरल खेती की इफादियत बयान की और कहा कि ये तरीक़े काश्तकारी खुद किफालत और बेहतरीन सेहत और माहौलियात की बेहतरी के लिए इंतहाई माविन साबित होती है। नरसी में कानूनी जानकारी से मुतालिक एक वर्कशॉप रखा गया, जहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वो कानून के दीगर जानकारों ने मुअस्सर रहनुमाई की। सुप्रीम कोर्ट की ईमा व हिदायत पर दीवानी लोअर कोर्ट की सतह के अलावा ज़िला नांदेड़ की सतह पर नरसी ज़िला नांदेड़ की पुलिस चौकी के अहाते में पिछले दिनों 17 सितंबर को कानूनी रहनुमाई का कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप की सदारत फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वहाब ए सैयद ने की। सैयद ने इस मौके पर इंतहाई मौसर व मुफीद कानूनी मालूमात फराहम की और शुरका को अवाम के कानूनी हुकूक से आगाह किया। इस रहनुमाई कैंप में राम तीरथ पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर विजय जाधव, एडवोकेट एन आर देश पांडे, एडवोकेट एस जी कुलकर्णी, एडवोकेट एस एन जाधव, एडवोकेट बी एम वाघमारे, एडवोकेट एल एस तुम्मीदवार व दीगर माहरीन कानून और अहम शख्सियात मौजूद थीं। ज़िला नांदेड़ के तालुका नायगांव में सोमठाना हिपरगा तालाब के लिए तहवील में ली गई ज़मीनों के मावज़ों की अदायगी के मतालबे पर किसानों ने इज्तमाही खुदसोजी का इंतबाह दिया है। वाज़े रहे कि तालुका नायगांव के सोमठाना हिपरगा बाभुल गांव के किसानों की ज़मीनात इस तालाब के लिए तहवील में ली गई थीं, लेकिन कई बरस का अरसा बीत गया तब भी ज़मीनों से महरूम हो चुके किसानों को तहवील अराजी के मुआवजे अदा नहीं किए गए, जिसके सबब किसान खल्लाश होकर फाखा कशी पर मजबूर हो गए हैं। किसानों ने राबता वजीर अशोक चौहान से भी मुआवजा दिलवाने की गुहार लगाई, लेकिन कोई हल न निकला। इन किसानों की ज़मीनों पर 60 तालाब के लिए खुदाइयाँ करके छोड़ दी गईं। किसानों का मतालबा है कि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए फौरी राहत देते हुए उनकी ज़मीनात के मुआवजे अदा किए जाएं, वरना तहवील में ली गई ज़मीनें वापस करके इस तालाब की तजवीज़ ही को मनसूख कर दिया जाए। इस तरह का तहरीरी मकतूब पेश करते हुए किसानों ने इंतहाई सख्त इंतबाह दिया कि बसूरत दीगर मजकूरा तमाम किसान ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाजन खुदसोजी करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। आमचे लेकर बाळ सगळं परेशान आहात, लग्नाला येऊन गेले, लग्न येऊन गेले, आम्हाला काहीच मिळणार नाही, आम्ही परेशान आहात, आम्ही काय कराव, समजा खंदून सगळं बरबाट करून टाकलं। नौकर राहून 40 झाले, आज नौकर राहून वावर घेतलेले आमचे, परेशान केलेत आमचे, काही दिलं नाही, बकळ साहेबाला भेटले कोणी बोलाय तयार नाही आम्हाला। हे सोमठाण्या गावामधलं तलाव चं काम झालेलं असून 2013 ऑर्ड केलं तेव्हापासून कुठल्या शेतकऱ्याला मारुजा न भेटल्याबाबत आत्मदहनाची येळ आलेली आहे। तो लक्ष्मण गायकवाड
व मालू गणपती गायकवाड यांना आत्मदहनाची प्रशासनाला कापी दिलेली आहे, तरी या शेतकऱ्याची कुठल्या पद्धतीची दखल नाही घेतली नाही शासनाने, तो याचा तुरुत काहीतर निर्णय घ्यावा, शेतकऱ्याला अडचणीतून सोडवायचा प्रयत्न करावा। धुलिया शोलापुर हाईवे पर मालीवाड़ा से करीब शनिचर की रात एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक इनोवा और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में मोटरसाइकिल सवार की जगह पर ही मौत हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक एक इनोवा कार जिसका नंबर MH28BN1857 है, वैजयपुर से आ रही थी कि मालीवाड़ा से करीब खिरडी खुल्दाबाद जा रही एक टू व्हीलर गाड़ी से टकरा गई। हादसे के बाद इनोवा गाड़ी भी पलट गई। इस हादसे में खिरडी तालुका खुल्दाबाद के 42 साल साकिन चंद्रकांत वसंतराव बोड़खे की मौत हो गई। उमेश कारभारी राजदेव, योगेश कारभारी राजदेव और देवेंद्र विठ्ठलराव शिंदे नामी अफराद जो कि रामराई तालुका गंगापुर के साकिन बताए जा रहे हैं, इनोवा में सवार थे। जब पुलिस जाए हादसे पर पहुंची तो उन्हें इनोवा कार से 8,770 रुपये नकद और एक रिवाल्वर व 14 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जो पुलिस ने जब्त कर लिए। इस मामले की इत्तला पाते ही इंस्पेक्टर राजश्री आड़े भी वहां पहुंच गई। हादसा इतना शदीद था कि टू व्हीलर गाड़ी चकनाचूर हो गई थी। ये मामला दौलताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर DB तड़वी कर रहे हैं। इसी तरह एक और हादसा औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर पेश आया। हालांकि इस शाहरा पर जगह जगह मुरम के ढेर होने के सबब गाड़ियां चींटी की रफ्तार से चल रही हैं, इसके बावजूद एक ट्रक और एसटी बस आमने सामने से टकरा गए, जिसके सबब यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया और रास्ते के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। हादसे की इत्तला मिलते ही अजंता पुलिस वहां पहुंची और सख्त जद्दोजहद के बाद ट्रैफिक बहाल किया गया। वाजिर है कि औरंगाबाद जलगांव हाईवे का तामीरी काम जारी है, मगर मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही और मनमानी के सबब ये सड़क हादसात की आमाजगाह बन गई है और ट्रैफिक जाम यहां का मामूल बन गया है। जराये के मुताबिक मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर ने जगह जगह मुरम और मट्टी के ढेर लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ये हाईवे सड़क पगडंडी में तब्दील होकर रह गई है और बारिश के सबब यहां कीचड़ फैला हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियां आपस में टकराने लगी हैं। हालांकि अजंता पुलिस ने ज़िमन में मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर को इंतबाह दिया था कि वो रास्ते पर डाला गया मुरम और मट्टी फौरी हटा ले, जिसके बाद कुछ मकामात से मुरम और मट्टी हटा ली गई, मगर अब भी इस रास्ते के किनारे मुरम और मिट्टी के ढेर पड़े हैं, जिसकी वजह से मुतालिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। नहायत अकीदत और सादगी के साथ शहर में की गई विसर्जन की रस्म अदा, खुशगवार माहौल में हुआ गणेश फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। अंजुमन अहले कलम के जिम्मेदारान काबिले मुबारकबाद, उनकी काविशों से जल्द पैदा होंगे सिराज व वली और बशर नवाज जैसी सलाहियतों वाले शोरा व उदबा, कहा डॉक्टर मखदूम फारूकी ने। असातिज़ा के इस्तकबाल के बाद मुनक़िद की गई कामयाब शेरी नशिस्त। परभनी के राबता वजीर नवाब मलिक ने लिया शदीद बारिश के सबब मुतासरा तालुका पालम के खेतों का जायजा, मुतासरा किसानों को दिया दिलासा और अफसरान को दी नुकसान के पंचनामे करने की हिदायत। और बज़िमन जश्न नूरुल हसनैन वारिसान हर्फ व क़लम नामी तंजीम की जानिब से महफिल तंज़ व मिज़ाह मुनक़िद, शहर के मारूफ मिज़ाह निगारों ने सुनाए मज़ाहिया खाके और किया हाजरीन को कह कह लगाने पर मजबूर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज।